नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। खबर है सिंगरौली से, जहां सिंगरौली मोरवा थाने का पदभार ग्रहण करने के बाद ही थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त गिरोह आए दिन नए नए तरीकों को अपना कर तस्करी को अंजाम देते हैं। सिंगरौली जिले में ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां मुखबिर की सूचना पर मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध गांजा की तस्करी में संलिप्त उत्तर प्रदेश से आ रहे दो गांजा तस्करों को चतरी गांव में पुल के पास घेराबंदी कर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 6 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 60,000 रुपये बताई जा रही है। साथ ही आरोपियों की बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ NTPC NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से जेल भेज दिया गया। इस संबंध में मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गांजे की तस्करी में लिप्त दो तस्करों को 6 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया है। ये चतरी का एक राजकुमार बैस और दिनेश बैस है। ये दोनों मिलकर इलाके में गांजे की सप्लाई भी करते थे और अपने घर से स्टॉक रख के बेचते भी थे। कल मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 6 किलो गांजा मिला है, एक बाइक मिली है जिसपे ये लोग लेके उसका परिवहन कर रहे थे। NDPS के तहत इन दोनों को गिरफ्तार किया है। आज न्यायालय भेजा है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।